इडस रागा स्कूल रुचिलाई ब्रांच में एक महीने से चल रहे समर कैंप का बहुत शानदार समापन समारोह आयोजित रहा। बच्चों ने जो स्किल सीखे उसका मंच पर मनमोहक तरीके से प्रस्तुति दी। बच्चों के साथ अभिभावक भी अभिभूत रहे। इस तरह के आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास और खुद को जिम्मेदार समझने की शुरुआत होती है। स्कूल संस्थापक वंदना शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार स्थापित करें ताकि देश प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। सर, आज के जून का जो कार्यक्रम समर कैंप में आप अतिथि आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कैंप हर काम नगर में ऑर्गेनाइज करते रहे, हमेशा ऐसे ही बनने रहे। बच्चों का नगर में बहुत आवश्यक है। अगर ये सब हो रहा है आज तो मेरे ख्याल से जो पुराने समय में नाना नानी के यहाँ बच्चे पहुँचते थे, तो आज प्रदेश में जो है ये कैंप है, इसको मेरे ख्याल से बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हर पेरेंट को इसमें तो जरूर है परेशान। सर, बच्चों में उत्साह देख रहे हैं, उनके माता पिता में उत्साह देख रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ है सांस्कृतिक प्रस्तुति बहुत अच्छी दी है। सर, बच्चों में उत्साह देख रहे हैं, उनके माता पिता में उत्साह देख रहे हैं, इस कैंप पुरस्कार वितरण भी किए गए। ये बहुत जरूरी है कि ऐसा अगर हो रहा है उत्साह देखिए, डेफिनेटली सब एक दूसरे से जो मिल रहे हैं आपस में, पेरेंट्स मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, उनका उत्साह तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। क्या संदेश दें सर युवा पीढ़ी को? मैं तो यही चाहूँगा कि हर पेरेंट्स ऐसे जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जो फाउंडेशन स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको हमेशा काम जो इस तरह का हो रहा है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक ओकेजन है, जिसमें हमेशा बच्चों के डेवलपमेंट में हर तरह की चीज़ें। नाम बताइए। वंदना शुक्ला, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ किड्स सर्वा फाउंडेशन चेन ऑफ स्कूल। आज कार्यक्रम में समर कैंप का बच्चों में शानदार बहुत एनुअल फंक्शन टाइप का कुछ नहीं है। एक हमारे समर कैंप के जो हमारे पेरेंट्स की गैदरिंग है, और हमारे बच्चों ने जो पूरे एक महीना सीखे समर कैंप में, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सीखे बच्चों ने, जैसे डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टेज स्मार्ट एक्टिविटी, कराटे, हैंड राइटिंग, इस तरह के स्किल्स बच्चों का एक महीने का चला कैंप, उसी का आज समापन समारोह बोलेंगे या समापन गैदरिंग है। बच्चों को स्टेज पे आके जो जो उन्होंने सीखा उसको स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। तो पुरस्कार वितरण भी होंगे बच्चों जी? तो आप पुरस्कार वितरण भी करेंगे? हाँ, पुरस्कार वितरण भी होगा। उनको जो उन्होंने किया है उसका अप्रिशिएशन तो होना ही चाहिए। बच्चों को मोटिवेशन उनसे ही मिलता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू थिंग्स आर देयर इन लाइफ। जब हम कुछ करें बच्चों को हमेशा रिवॉर्ड ही देना चाहिए, पनिशमेंट तो बाद में। आपके कार्यक्रम जो भी होते हैं अक्सर देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, हैरत नजर ही आती है। क्या बात है? उसमें नजरिया होता है, उसमें एक सोच होती है, ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है सिर्फ एक स्कूलिंग नहीं होता है। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और यहीं से बच्चों का स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम घर में रह के पढ़ लेते तब तो कुछ नहीं था, लेकिन स्कूल आने का मतलब है कि बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ एक व्यक्तित्व, तो एक सुबोध नागरिक बनना जिसको कहते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है एकेडमिक के साथ साथ, हर तरीके का कॉन्फिडेंट बच्चा देना, एक सबल और एक सुबोध नागरिक देना, जो जिसकी शुरुआत स्कूल से ही। और हमारा स्कूल अर्ली एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू जो पर्सनैलिटी हमारी बनती है वो 8 साल तक बन जाती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को 2 साल से 8 साल तक हम इतना कुछ दें ताकि हमारा बच्चा 8 साल के बाद उसे बाहर से कुछ ऐसी चीजें लेने की जरूरत न हो। एक तो खाली दिमाग जैसे पूरा एक अच्छी चीजों से भर जाए, वही उसका व्यक्तित्व होता है। एक्चुअल व्यक्तित्व 8 साल तक बनता है, इसलिए हम उसको बहुत वर्क करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कला हो, जिस भी क्षेत्र में बच्चा जाना चाहे, कोशिश हो कि बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा बने, एक समझदार बच्चा बने। और ये बच्चों को प्यार करना, उनको मोटिवेट करना, ये हमारा किड्स रागा का मतलब क्या है, बच्चों का रिदम, मैंने हर बच्चे के अलग अलग रिदम होते हैं, राग होते हैं। कोई पढ़ाई है तो कोई नृत्य में है, कोई खेल कूद करना चाहता है, हर बच्चा अलग होता है। तो हर बच्चे का राग, तो उसका एक अलग रिदम होता है, उस रिदम को निखारना, ये हर स्कूल का, हर शिक्षक का, और हर मतलब अर्ली एज के शिक्षकों का ये वर्क।